विकास मी विकास च्या मार्गावर जात आहे, मी विकास के मार्ग पे चल रहा हूं। बहुत बहुत इधर कांग्रेस में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे थे। यात्रा शुरू होने के पहले ही कांग्रेस के दिग्गज और पुराने नेता, जिन्हें राहुल गांधी का दोस्त भी माना जाता है, उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। उनका नाम है मिलिंद देवड़ा। चलिए जानते हैं मिलिंद देवड़ा कौन है और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। कौन है मिलिंद देवड़ा? मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिंद देवड़ा का जन्म मुंबई में 4 दिसंबर 1976 को हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल सिडेनहैम कॉलेज से ली थी। उसके बाद मिलिंद देवड़ा ने बोस्टन विश्वविद्यालय के क्वेस्ट्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अपने पिता की तरह ही उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। फिर उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। वहीं मिलिंद देवड़ा की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ 79 करोड़ से ज्यादा है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उनकी तरफ से जारी किए गए संपत्ति के ब्यौरे के मुताबिक देवड़ा के पास 79 करोड़ 32 लाख 422 रुपए की संपत्ति है। साथ ही उनके पास 4 करोड़ 99 लाख 98 हजार 911 रुपए की देनदारियां भी हैं। मिलिंद देवड़ा का राजनीतिक सफर। मिलिंद देवड़ा दक्षिण मुंबई सीट से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इस सीट से उन्होंने 2004 और 2009 में चुनाव जीता था। कांग्रेस में मिलिंद अखिल भारतीय संयुक्त कोषाध्यक्ष की भूमिका में भी रहे हैं। इसके साथ ही वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। दक्षिण मुंबई सीट पर मिलिंद के पिता मुरली देवड़ा भी सांसद रह चुके हैं। 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे और लोकसभा चुनाव में हार के बाद देवड़ा ने मुंबई कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव तक मुंबई शहर इकाई की निगरानी के लिए 3 वरिष्ठ नेताओं के एक समूह की अस्थायी स्थापना की सिफारिश भी की थी। साथ ही उन्होंने ये कहा था कि वो पार्टी को स्थिर करने में मदद के लिए राष्ट्रीय भूमिका निभाने को तत्पर रहेंगे। मिलिंद देवड़ा ने क्यों छोड़ा पार्टी का साथ? सबसे बड़ा सवाल है कि इतना पुराना रिश्ता मिलिंद देवड़ा ने आखिर तोड़ा क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिंद देवड़ा की पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुंबई दक्षिणी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस पर इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस भी ये सीट शिवसेना यूबीटी को देने पर सहमत हो चुकी है। यही वजह है कि मिलिंद पार्टी से नाराज हुए और कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि वो कांग्रेस छोड़ शिंदे वाली शिवसेना गुट में शामिल होकर इसी सीट से अपना दावा ठोक सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें अभी कयासों की चादर में लिपटी है। वहीं देवड़ा ने भी केवल इतना ही कहा कि वो विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।